हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक का जीवन परिचय लेके आ चुके हैं बाबू। आज की इस वीडियो में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 हो या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है बाबू। और आज की इस वीडियो में बताएंगे कि जीवन पर्ची कैसे लिखना है पेपर में, कहां कहां पे ज्यादा फोकस करना है और एग्जामिनर कॉपी जो चेक करता है उस समय कहां कहां पे ज्यादा ध्यान देता है। अगर अच्छे से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आज की इस वीडियो में आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा बाबू। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन पर्चे है इसका मैं PDF जो है आपको देने वाला हूं, तो शुरू से अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले ये पेपर में इस बार 2025 में या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा बाबू। तो आज की इस वीडियो में हम जो चीजें बताएंगे एक एक चीज खास होने वाला है। सबसे पहले जीवन परिचय पे आपको फोकस कीजिए। सबसे पहले क्या करना है बाबू, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय बता रहे हैं ना, सबसे पहले इनका जीवन परिचय हेडिंग डालते हैं पेपर में और जीवन परिचय में मेन मेन पॉइंट क्या होता है उस पर फोकस करना है, क्योंकि एग्जामिनर उसी पर फोकस करता है, मतलब कॉपी चेक करते समय। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे जीवन परिचय हेडिंग और इसमें क्या लिखा जाता है, ध्यान समझिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी। मेन जहाँ पे पॉइंट फोकस करना है वही चीज ध्यान दीजिए। यहाँ पे जन्म सन जो लिखा है बाबू इसको ब्लैक पेन से आपको पेपर में लिखना है और हाइलाइटर का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, बस जन्म सन को ब्लैक पेन से लिखना है। 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबी के छपरा ग्राम में हुआ था, इस तरीके से लिखेंगे। आराम से एक एक चीज समझिए। अब यहाँ पे देखिए हुआ था और पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनके पिताजी का नाम क्या था बाबू, अनमोल द्विवेदी, तथा माता का नाम जोशीमती था। इनके माताजी का नाम क्या था बाबू, जोशीमती। तो पिता का नाम और माता का नाम ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा थोड़ा हाईलाइट होने के लिए। आगे देखिए क्या लिखेंगे, द्विवेदी जी सरयू प्राणी ब्राह्मण थे। ये किस टाइप के ब्राह्मण थे, सरयू प्राणी ब्राह्मण थे और इनके बचपन का नाम था, ध्यान समझिएगा, वैद्यनाथ द्विवेदी। इनके बचपन में लोग इनके गांव के क्या बोलते थे, वैद्यनाथ द्विवेदी के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। इस तरीके से सारा चीज लिख देंगे और पॉइंट जो है लास्ट में इनका मृत्यु का सन, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 18 मई 1979 ईस्वी को क्या हो गया, ये हिंदी का यह महान पुत्र स्वर्ग में लीन हो गए। तो ये आपको जीवन पर्ची में टू द पॉइंट लिखना है, ज्यादा चढ़ा बढ़ा के नहीं लिखना है बाबू। जन्म स्थान, माता पिता का नाम और इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा इसमें लिख देंगे तो यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा बाबू। कितने नंबर, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा और जब साहित्यिक परिचय देंगे तो वहाँ से भी 3 नंबर मिलेगा, टोटल 5 नंबर पाना है। तो शुरू से अंत तक समझिए सारी चीज। अब यहाँ से देखिए बाबू, यहाँ पे साहित्यिक पर्ची लिखेंगे इनका, आप क्या लिखेंगे, साहित्यिक पर्ची हेडिंग लगाएंगे और साहित्यिक पर्ची में क्या क्या लिखा जाता है, क्या क्या आता है साहित्यिक पर्ची के अंतर्गत, सारी चीज़ देखिए। लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, क्या बताएंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना, क्या बताएंगे, आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। इसका मतलब कि जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता है उसी को बोला जाता है अविस्मरणीय योगदान बाबू, ठीक है। और 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त किए, तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से, ऐसे ही सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिखना है। क्या लिखना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से DLT की उपाधि प्राप्त किया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी अपने जीवन काल में किया है सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन करेंगे और कई विभागों के क्या रह सके हैं, अध्यक्ष एवं प्रमुख रह चुके हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिख देना है बाबू और इतना लिख देंगे आपका यहाँ से साहित्यिक पर्चे में थोड़ा सा, और रचना जो है कृतियाँ है उसको भी अच्छे से लिखना है। ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे कृतियाँ हेडिंग डाल लीजिएगा और कृतियाँ में कौन सी कृतियाँ है, आलोचनात्मक, जिसकी आलोचना की जाती है और इसी के गुणगान पेपर में गाया जाता है, तो ये लिख देंगे।
बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आलोचनात्मक जो कृतियाँ कितना कम से कम लिखेंगे, कम से कम 4 से 5 लिख दीजिएगा बाबू कंप्लीट हो जाए, कम से कम यहाँ पे तो 10 भी है इनकी, लेकिन 5 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिल जाएगा। जैसे सर सूर्य साहित्य, सूर्य साहित्य नहीं क्या है, ठीक है, कालिदास का ललित योजना, कालिदास का ललित योजना उन्हीं की कृतियाँ है, हिंदी साहित्य की भूमिका बाबू, ऐसी ही सारी चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा, और प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद इस तरीके से लिख दीजिएगा, और कबीर, ये जो लिखे हैं ना 5 ही ठे लिखे हैं, और ये आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, आप चाहें तो 6-7 बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 भी लिख देंगे तो नंबर नहीं कटेगा, इस तरीके से कृतियाँ हो जाएगी। और यहाँ पे लिखेंगे निबंध संग्रह, इन्होंने निबंध संग्रह भी दिया है, जिस तरीके से कल्पलता, आप कल्पलता के बारे में पढ़े हैं ना, इस तरीके से लिख दीजिएगा। अशोक के फूल, अशोक के फूल आप पढ़े हैं ना बाबू, इन्हीं का संग्रह है निबंध का सारा, कूटज लिख लीजिएगा, मतलब 3-4 ठेली के निबंध संग्रह आदि लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद उपन्यास इनका क्या क्या है लिख दीजिएगा, उपन्यास बाबू इस तरीके से लिख दीजिएगा, जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा इन्हीं का उपन्यास है, इस तरीके से अनावा दास का पोथा अच्छे से लिख दीजिएगा, पुनर्नवा है, इसके बाद से बाबू यहाँ पे देखिए चारुचंद लेख, इस तरीके से आप उपन्यास भी इनका लिख देंगे, बस इतना ही लिखेंगे साहित्यिक सेवाएं से आपका 3 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा, तो यहाँ से जीवन पर्चे साहित्यिक पर्चे जब मेंशन करेंगे टोटल करके आपको कितने नंबर मिल जाएगा बाबू, 5 नंबर यहाँ से मिल जाता है, और ऐसे ही टॉपर भी लिखते हैं, अच्छे से लिखेंगे तो 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। तो आज की वीडियो को प्यारा सा लाइक कमेंट कर दीजिए, ऐसे ही कवि का लेकर आएंगे, एक एक आपको लेखक और एक कवि का अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो अच्छे से इस वीडियो को शेयर कमेंट कर दीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।